पार्ट टू में बात करी थी सॉलिड के बारे में, सॉलिड की पूरी डिटेल उसमें पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में और बाकी कुछ आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड के बारे में मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया था, पार्ट वन और पार्ट टू में। ये पार्ट थ्री है तो ध्यान से पढ़िए, एकदम बारीकी से समझाता हूँ मैं और सटीक पॉइंट पर जाता हूँ। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। आप देख सकते हैं पानी भरेंगे आपके पास, आप गिलास में पानी डालेंगे तो गिलास की शेप ले लेगी, आप कहीं पे भी कुछ भी लिक्विड को डालेंगे उस शेप में ले लेगी। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एट अ गिवन टेम्परेचर। उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है गिवन टेम्परेचर पे। अगर आप उसे 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि तो जाहिर सी बात है ठंडा भी हो सकता है और सर्दी तो बहुत तगड़ी पड़ेगी उस टाइम पे। और अगर आप उसे मेरे हिसाब से 50 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो वो गल जाएगा, गर्मी पड़ेगी उस टाइम पे। तो ये गिवन टेम्परेचर यानी कि जितना गिवन हो वहाँ पे उसका डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। लिक्विड टेंड टू फ्लो, आप पानी बहाएंगे तो पानी बहता है, तो ये टेंड टू फ्लो यानी कि इसका मतलब है कि लिक्विड बहता है। लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अब आप सोचेंगे लिक्विड तो लिक्विड होता है, हम उसे दबा सकते हैं ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बाल्टी में पानी रख के देखिए, वो बाल्टी फुल ऑफ वाटर हो, ठीक है, और फिर आप उस पानी को जब दबाएंगे, यानी कि अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो वो बाल्टी फट भी सकती है। तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि जब आप उसे दबाएंगे तो उसके पार्टिकल्स जो स्पेस हल्का फुल्का होता है वो थोड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, यानी कि लिक्विड मीडियम होता है। सॉलिड और गैस के बीच में लिक्विड मीडियम होता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल भी कहा जाएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज जनरली लेस, यानी कि आप देख सकते हैं, यानी कि गैस से ज़्यादा और सॉलिड से कम इसकी डेंसिटी होती है। डेंसिटी यानी कि जनरली लेस होती है। अब इसकी बात करें तो हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल दिख जाते हैं, वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, पेट्रोल पेट्रोल सब है, वाटर है, मिल्क है, जूस है, ऑयल है, एक्सेट्रा है, ये हमारे लिक्विड के। इसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस की पढ़ेंगे, इसके बारे में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि जितने भी हमने पढ़ा है उन सबके बारे में प्रॉपर्टी पढ़ा है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। अब हम गैस के बारे में बात करें, तो गैस के बारे में बात करें अगर हम, तो गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। हम जानते हैं गैस के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है, हवा चल रही है अभी भी चल रही है पता नहीं चलता, ठीक है, हवा कभी तेज आती है तो पता चलता है, और तो इसका मतलब इसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनके पास कोई वॉल्यूम भी नहीं है, हर जगह घुस जाते हैं, गुब्बारे में घुस जाते हैं, कहीं भी घुसा वहीं घुस जाते हैं। गैसेस हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ये हर जगह गैस बह रही है, गैस नहीं बहेगी तो हम कहाँ से जिएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही, ऑक्सीजन भी गैस है तो वो नहीं बहेगी तो हम कहाँ से जिएंगे, यानी कि टेंडेंसी टू फ्लो, इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो गैसेस। गैसेस डिफ्यूज वेरी इजली, ये जल्दी मिक्स हो जाता है किसी पार्टिकल में, यानी कि इसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस बहुत जल्दी होती है, यानी कि इसमें डिफ्यूजन होता है, और सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता और लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। और डेंसिटी ऑफ गैसेस इन इज मिनिमम, यानी कि सबसे कम, सॉलिड से भी कम, गैस से भी कम, सॉलिड से भी कम और लिक्विड से भी कम, यानी कि सबसे कम कितना होता है, गैस में होता है, यानी कि सॉलिड सबसे ऊपर, इंटरमीडिएट फिर सबसे कम, और फिर उसके बाद अगर हमने डेली लाइफ के बारे में एग्जाम्पल की बात करें तो गैस ऑक्सीजन हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस और आदि आदि आपकी कई सारे आपके गैसेस की प्रॉपर्टी और गैस के आपके एग्जांपल हो जाएंगे। तो इसके बारे में हमने इसकी प्रॉपर्टी बात की, तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके नीचे ही पढ़ लेते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है, वो डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, ठीक है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। लेकिन अभी हमने डिफ्यूजन की अभी शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ी है, आगे जाके हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बात करें अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेंसिटी, तो डेंसिटी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम, और इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी,
इनके मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर किसी भी सब्सटेंस का है तो उसे हम डेंसिटी कहेंगे, यानी कि कितने पार्टिकल उस सब्सटेंस में आ जाएंगे, तो ये हमारी डेंसिटी हो जाएगी। तो अभी हमने डिफ्यूजन पढ़ा, डेंसिटी पढ़ा क्या होता है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन इस चैप्टर में नाम है, तो उसका भी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। तो इस फ्यूजन के बारे में अगर हम बात करें तो फ्यूजन का मतलब यही होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉलिड